Hello everyone, welcome to Versatile English. I'm here Prakash before you once again with a new video lesson. Dear all, मेरी beginning से शुरुआत से एक कोशिश रही है कि आपके efforts को एक ऐसे direction में लेके जाऊं जिससे आप हमेशा सीखें. क्योंकि अगर हम किसी particular book पे या class पे ही dependent हैं सीखने के लिए तो हम limited सीखेंगे. तो क्यों ना हमारे चारों तरफ जो words बिखरे पड़े हैं, जो dialogues बिखरे पड़े हुए हैं, उनसे हम सीखें. और इस sequence में मैंने words around एक वीडियो बनाई थी पहले, जो नए ज्वाइनीज हैं उसको जाके चेक करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा. मैंने बताया था कि बहुत सारे ब्रांड्स के नेम या प्रोडक्ट्स के नेम पे या उनकी पैकिंग पे हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं जो हमारे काम के हैं, जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या नाउन के रूप में यूज हो सकते हैं. तो उसी सीक्वेंस मैंने आज कुछ और वर्ड लिए हैं, वर्ड्स अराउंड टू में, जो हमारे काम आने वाले हैं, जो हमने कहीं ना कहीं सुने हैं और पढ़े हैं. आइए देखते हैं ये कौन से वर्ड है. सबसे पहला वर्ड है रिलायंस. इट्स अ बिग नेम और रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, निर्भरता. इसको हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, जैसे यू कैन रिलायंस ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, या आई कैन नॉट रिलायंस ऑन यू फॉर दिस मैटर, मैं इस बारे में आप पर भरोसा नहीं कर सकता. एंड द नेक्स्ट वन इज पैरागॉन. पैरागॉन हम में से हर किसी ने सुना है. पैरागॉन का मतलब होता है आदर्श, उदाहरण या नमूना. जैसे शी इज अ पैरागॉन ऑफ पंक्चुअलिटी, वो पंक्चुअलिटी का एक पैरागॉन है, एक आदर्श उदाहरण है. तो किसी भी चीज की पराकाष्ठा या उसका उसके आदर्श स्थिति के लिए हम पैरागॉन का यूज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज सिम्फनी. हर किसी ने सुना है, सिम्फनी का यूज होता है एक स्वर संगति के लिए या एक लंबे स्वर के लिए और संतुलन के लिए भी इसका यूज. जैसे आई लाइक देयर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, मुझे उनका सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा पसंद है, जिससे एक बैलेंस्ड सुर निकलता है. एंड द नेक्स्ट वन इज एबोट, और हम में से हर किसी ने यह सुना है, उत्तराखंड इज कॉल्ड एबोट ऑफ गॉड्स. यस, क्योंकि एबोट का मतलब है निवास, घर, और उत्तराखंड को कहा जाता है देवताओं का घर यानी देवभूमि. इसलिए एबोट को हम घर के लिए और यूज कर सकते हैं, जैसे रेजिडेंस या हाउस या होम के लिए हम अबोट का यूज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज अ फ्रेट, हेड एंड शोल्डर्स. हेड एंड शोल्डर्स हम सब ने सुना है, ये किसी प्रोडक्ट का ही नेम नहीं है बल्कि ये एक फ्रेज भी है, और उस फ्रेज का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर. अगर आप किसी और से किसी भी बात पे, किसी भी मायने में कोई चीज किसी से श्रेष्ठ है, बेहतर है, तो हम वहां पे हेड एंड शोल्डर्स का यूज करते हैं. जैसे दे आर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, यानी वे औरों से बेहतर हैं. और आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर हेड एंड शोल्डर्स स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ये मेरी क्लास के श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं. सो विद दिस डियर ऑल, सब्सक्राइब द चैनल, व्होएवर द न्यू ज्वाइनर्स आर देयर, न्यू लर्नर्स आर देयर, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अ लॉट इंटरेस्टिंग इज टू कम. थैंक यू सो मच.